एक्सपायरी ट्रेडिंग क्या होती है, प्री एक्सपायरिंग ट्रेडिंग का हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, कौन सा इंडेक्स में हमें काम करना चाहिए, कौन सा इंडेक्स हमारे लिए बेटर है, इसकी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों हम जानकारी को आगे बढ़ते पूरा बात यहाँ पे रखते हैं कि प्री एक्सपायरी ट्रेडिंग क्या होती है। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि अभी हर दिन कोई ना कोई इंडेक्स की एक्सपायरी होती है, जैसे कि मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स की एक्सपायरी होती है, उसके साथ ही ट्यूसडे के दिन फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, थर्सडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है और फ्राइडे के दिन जो होती है ये सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। लेकिन क्या हमें इन सारे ही इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा इंडेक्स ट्रेड करने के लिए बेहतर है, कौन सा इंडेक्स के ऊपर काम करना चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पे आज जानकारी रखते हैं। सबसे पहले तो जो लो लिक्विड इंडेक्स है जिसमें आता है मिडकैप निफ्टी और बैंकेक्स और इसके साथ आता है एक सेंसेक्स, तो ये तीन इंडेक्स जो होगा इनको तो हमें अलग करना चाहिए, इनमें हमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि इसके अंदर लिक्विडिटी कम होती है। लिक्विडिटी कम होने के कारण ये भी होता है कि अगर हमने मान लो यहाँ पर ट्रेड लिया या कोई भी ऑप्शन को बाय किया, मिडकैप निफ्टी का हो, बैंकेक्स का हो या सेंसेक्स का हो, इसमें अगर आपने कोई भी प्रीमियम को बाय किया तो इसमें हो सकता है कि आपको एक जंप इस अच्छा खासा मिल जाए। हो सकता है आपने सेंसेक्स का कोई ऑप्शन बाय किया हो जो 100 रुपीज़ का था, 100 रुपीज़ में बाय करते से ही वो एक मिनट के अंदर पता चला 200 का हो गया और उसी सेकंड में वो नीचे आ गया और आपकी बाइंग वैल्यू से नीचे आ गया। इस कंडीशन में आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है, तो सेंसेक्स से भी आपको बचना चाहिए, मिडकैप निफ्टी, बैंकेक्स, इन इंडेक्स से भी आपको बचना चाहिए। अब बात आती है कि किस इंडेक्स में हमें काम करना चाहिए, तो काम करने के लिए सबसे पहले नंबर पे आता है निफ्टी इंडेक्स आता है, उसके बाद आता है बैंक निफ्टी इंडेक्स और इसके बाद आता है फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स का। अब हमें किस समय काम करना चाहिए, सबसे पहले फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी की बात करते हैं, तो ये एक्सपायरी होती है ट्यूसडे के दिन, तो ट्यूसडे के दिन इसकी एक्सपायरी होती है, तो इसके लिए प्री एक्सपायरी डे हुआ मंडे का, तो मंडे के दिन आप काम करते हैं फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स में। यहाँ पर आपको कम प्रीमियम का भी ऑप्शन मिल सकता है, कम प्रीमियम में आप काम करते हैं तो आपको यहाँ पे जो एक्सपायरी में जो प्रीमियम की जो दिक्कतें आती हैं कि प्रीमियम एक्सपायरी में सडनली फॉल होते हैं, तो इस प्रीमियम की दिक्कत से आप बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप मंडे के दिन फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स में काम करते हैं तो आपको यहाँ पे लो प्रीमियम पे एक अच्छा खासा ऑप्शन मिल सकता है और इसमें आप काम करोगे तो आपको अच्छे खासे यहाँ पे लिक्विडिटी के साथ साथ बेहतर रेट लेके आप यहाँ पे मुनाफा बांध सकते हो। इसके बाद बात आती है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वेडनेसडे के दिन, तो वेडनेसडे के दिन अगर काम कर रहे हो तो आप वेडनेसडे के दिन यहाँ पे 2 बजे 2:30 बजे तक ही काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो प्रीमियम है स्पीडली से डाउन होता है। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की प्री एक्सपायरी की बात करते हैं तो हम ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे के दिन आप बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छा खासा वैल्यू मिल सकता है, वॉल्यूम मिल सकता है, साथ ही प्रीमियम कम मिल सकता है, कम प्रीमियम पे अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं और इसके साथ यहाँ पे एक हमारा जो प्रीमियम है वो डाउन होने की संभावना भी कम हो सकती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि अगर एक्सपायरी में काम करते हैं एक्सपायरी दिन के दिन में, तो अगर हमने कोई प्रीमियम बाय किया है तो वो सडनली फॉल हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो इस जीरो प्रीमियम से बचने के लिए हम प्री एक्सपायरी डे में काम कर सकते हैं, तो इसलिए हम बैंक निफ्टी में जो काम कर सकते हैं ये वेडनेसडे के दिन काम ना करके हम यहाँ पे ट्यूसडे के दिन काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है निफ्टी की, निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हैं तो निफ्टी की एक्सपायरी होती है थर्सडे के दिन, तो थर्सडे के दिन अगर आप काम करने का प्लान आपका है निफ्टी इंडेक्स के दिन, तो आप वेडनेसडे के दिन निफ्टी इंडेक्स में काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा वॉल्यूम मिल सकता है, लो प्रीमियम के ऑप्शन मिल सकते हैं जिनमें काम करके हम अपने ट्रेडिंग वैल्यू को वॉल्यूम को अच्छा इंक्रीज़ कर सकते हैं, अच्छी खासी ट्रेडिंग करेंगे। क्योंकि एक मेंटली टेंशन ये भी होता है कि मार्केट में सडनली प्रीमियम डाउन हो जाता है जिसके कारण लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम यहाँ पे एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर हम काम करते हैं तो हम यहाँ से बेहतर रिटर्न निकाल सकते हैं। और अगर एक्सपायरी डे में अगर आपने काम करने का सोचा है तो यहाँ पे 2 बजे तक के या 2 से लेकर 2:30 बजे तक के काम करना चाहिए। 2:30 बजे के बाद इनके जो प्रीमियम है सडनली फॉल होते हैं, तो इन प्रीमियम्स की गिरावट से हमें बचना चाहिए और हमें जिन इंडेक्स में काम करना चाहिए तो इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, ये तीन इंडेक्स काफ़ी शानदार इंडेक्स है जिसके अंदर काम करके हम ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करने की, ये कौन से इंडेक्स में काम करना बेहतर है और किस प्रकार से काम करना चाहिए। अब बात आती है प्रीमियम सेलेक्ट करने की कि हमें कौन सा प्रीमियम सेलेक्ट करना चाहिए। अगर हम कोई भी इंडेक्स में काम करें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स में, तो इस कंडीशन में अगर मान लो कि हमें
फाइनल निफ्टी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 50 पॉइंट या 100 पॉइंट का गैप ऊपर कर रख के काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का प्रीमियम का गैप लेके काम कर सकते हैं, वहाँ पे हमें अच्छा खासा मूव मिल सकता है। निफ्टी में भी 50 पॉइंट का प्रीमियम का गैप के साथ हम काम कर सकते हैं। कॉल में 50 पॉइंट का प्रीमियम ऊपर और पुट में 50 पॉइंट का नीचे का प्रीमियम हम नीचे लेके काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे और थोड़ा एट द मनी ऑप्शन में काम करते हैं तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेडिंग वॉल्यूम मिल जाता है और यहाँ पे मूवमेंट भी कम हमें अच्छा फास्ट मिलता है। तो ये स्ट्रेटेजी को आप अपना सकते हैं, इन स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंस निफ्टी में अच्छा खासा काम करके अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टॉक मार्केट का बेहतर नॉलेज उन तक पहुंचे और वो एक्सपायरी में जो लॉसेज होते हैं उन लॉसेज से बचे और एक्सपायरी के एक दिन पहले काम करके अपनी वेल्थ को क्रिएट करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।